हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। देखिए, आज दो कलर लेकर आई हूँ। इसे मैं लेडीज़ जूती बना के बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मैंने फंदे डाल रखे हैं पहले से और एक सिलाई बना ली हूँ सीधी सीधी। तो अब देखिए, मैं इसमें दूसरा कलर ऐड करूँगी इस तरह से। देखिए, तीन फंदे हो गए, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस। बाईस फंदे बना ली। अब देखिए, दो दो चार दो छः, छः फंदे हम छोड़ देंगे क्योंकि ये ऊपर की हिस्सा बन रही है और ये बीच की। यहीं से सिलाई को हम पलट लेंगे। अब देखिए, इसी तरह से हम रिपीट करेंगे सीधी सीधी। ये दूसरा सिलाई बन गया। अब देखिए, अब फिर से हम ये कलर लगाएंगे। अब इस कलर से हम सारे फंदे को बुन लेंगे। जो छह फंदे मैंने छोड़े थे उसे भी बुन लेंगे हम। इस कलर से बुनेंगे तो सारे फंदे बुन लेंगे और जब सफ़ेद लगाएंगे तो हम नीचे के साइड से छह फंदे हम छोड़ देंगे। देखिए, सफ़ेद लगाएंगे तो यहीं तक बनाएंगे और इस कलर से हम ये पूरे बुन लेंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा बनेगा और ये नीचे का हिस्सा बनेगा। फिर से हम ये फंदा उतार लेंगे धागा पीछे करके, फिर से हम रिपीट करेंगे। तो जब हम ग्रेस बनाएंगे तो हम सारे फंदे को बुन लेंगे, छह फंदे हम छोड़ेंगे नहीं, उसे भी बुन लेंगे। और जब सफ़ेद लगाएंगे तब हम छह फंदे छोड़ देंगे। तो इसी तरह से ये मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से ये बनेगी। देखिए, फिर से मैं सफ़ेद ऐड कर रही हूँ इसमें। तो एक लाइन और देख लीजिए, उसके बाद मैं पूरे बना के दिखाऊंगी। देखिए, यहीं तक ये सफ़ेद से मैं बनाऊंगी और ये छह फंदे छोड़ दूंगी। जब जब मैं सफ़ेद से बुनूंगी तो यहीं तक बुनूंगी 22 फंदे और छह फंदे मैं छोड़ दूंगी। और फिर धागा हम पीछे के साइड करके सिलाई को पलट लेंगे और फिर सीधे सीधे इस तरह बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। तो देखिए मैंने कितने लाइन बनाए हैं।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये 15 लाइन है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, सफ़ेद वाली 14 लाइन है और ये 15 लाइन है। अब हमें क्या करना है, मैं 6 लाइन ऐसी बनाऊंगी, ये वाली लाइन ग्रे कलर से हम 6 लाइन बनाएंगे। एक लाइन मैंने बना ली है, 5 लाइन और बनानी है। 14 ये ग्री वाली हो गई और 14 सफ़ेद वाली हो गई लाइनिंग, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं ग्रे कलर से हम 12 सलाई बुन लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने 6 लाइन बना के कंप्लीट कर ली है, तो मैं 6 लाइन और बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ मैं ऊपर की साइड में जब 12 लाइन बनाऊँगी तो यहाँ 6 लाइन बनेगी, क्योंकि एक लाइन हम बनाएंगे तो 22 फंदों से और एक लाइन हम 28 फंदे से बनाएंगे। तो एक बार देख लीजिए, इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 20 फंदे हो गए, 21 21 20 21, ये 22 फंदे हो गए। अब क्या करना है, यहीं से मैं धागा पीछे कर लूँगी और सिलाई को पलट लूँगी, फिर हम यहीं से वापस चले जाएंगे। तो इसी तरह से ये बनेंगे, एक लाइन हम 22 फंदे से बनाएंगे और एक लाइन में 28 फंदे। तो 6 लाइन और बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। इसी तरह से ये बन के कम्प्लीट होगी। देखिए तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ 12 लाइन होगी तो यहाँ 6 लाइन होगी। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। एक सिलाई में हमें सारा फंदा बुन लेना है और एक लाइन में हमें यहीं तक 6 फंदा छोड़ के बुनना है। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने 12 लाइन बना ली है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 लाइन हो गई। अब क्या करना है, अब मैं दूसरी कलर इसमें ऐड करूँगी। क्या करना है, इस तरह से हम सफ़ेद से फिर 10 5 लाइन बनाऊंगी। इसे मैं 12 लाइन बनाई हूँ ग्रे से, तो मैं 28 फंदे, सारे फंदे को हम सफ़ेद से बुनेंगे।
एक लाइन में 6 फंदे हम छोड़ देंगे और एक लाइन में हम 28 फंदे बुन लेंगे, लेकिन सफ़ेद से ही बुनेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए फिर से मैं सफ़ेद से ही बुनूंगी। अब 5 लाइन हमें सफ़ेद से बुनना है और फिर से हम ग्रे से 12 लाइन बुनेंगे। ये 6 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। तो इसी तरह से मैं 5 लाइन बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी। 5 लाइन सफ़ेद से बनाने के बाद फिर 12 लाइन मैं ग्रे से बनाऊंगी। देखिए इसी तरह से हम 5 लाइन बना लेंगे सफ़ेद से और 12 लाइन इससे। तो मैं 5 लाइन ये बना के फिर ये लगाऊंगी, बना लूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सेम टू सेम ऐसे ही बनना है जिस तरह से मैं ये वाली बनाई हूँ 12 लाइन, उसी तरह से। तो ये 5 लाइन बना के फिर मैं ये लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैं यहाँ तक बना ली ये 5 लाइन, 2, 2, 4, 1, 5। अब हमें 12 लाइन ये बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जिस तरह से मैं ये 12 लाइन बनाई हूँ इसी तरह से ये 12 लाइन बनेगी। एक लाइन में हम 22 फंदे बनाएंगे और एक लाइन में हम पूरे 28 फंदे बनाएंगे इसी तरह से। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाऊँगी। देखिए देखिए किस तरह से मैं बनाती हूँ। अब इसी कलर से बनाना है, सफ़ेद को हमें अभी नहीं लगाना है। तो इसी तरह से मैं इसे बनाऊंगी। एक लाइन मैंने मैं बनाई हूँ मैं, देखिए ये 22 फंदे। अब मैं 28 फंदे बनाऊँगी इसी से। 6 फंदे जो छोड़ रखे उसे भी हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट होगी।
12 लाइन पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बन के कम्प्लीट हो गया 12 लाइन। 5 लाइन ये बनाई हूँ, 12 लाइन ये। तो अब देखिए फिर से हम इस तरह से एक एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन सफ़ेद वाली तो एक लाइन ग्रे वाली। देखिए 22 फंदा ही बनाऊंगी मैं और यहीं से सिलाई को पलट लूँगी। देखिए जब ग्रे वाले लगाऊंगी तो पूरी 28 फंदे हम बनाएंगे। इसी तरह से ये बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। अब देखिए फिर से हम ये ग्रे वाले लगाएंगे, तो एक एक लाइन हम दोनों कलर से बुनेंगे। अभी 6 फंदे जो हैं इसे भी हम बुन लेंगे इस तरह से। जब सफ़ेद वाले बुनेंगे तब इसे हम छोड़ देंगे, जब ग्रे वाले आएगी तो मैं सारे फंदे बुन लूँगी। तो इसी तरह से ये बुन के कंप्लीट होगी, तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आगे आपको दिखाऊँगी। इसी तरह से ये बन के कंप्लीट हो गई। देखिए बन के दो लाइन कंप्लीट हो गई है, एक लाइन सफ़ेद से एक लाइन ग्रे से। तो इसी तरह से हम जैसे इधर लाइन बनाई हूँ इस साइड, इसी तरह से मैं बना लेती हूँ इधर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कंप्लीट हो गया, मैंने 14 लाइन दोनों बना ली है। तो अब देखिए इसे हम फंदे कम करेंगे, घटा देंगे सारे फंदे को। तो जिस तरह से मैं बुनाई करी हूँ उसी तरह से हम फंदे कम करेंगे।
देखिए ये पूरा हो गया है। अभी से मुझे सिलना है, तो सिलना कैसे ये बताऊंगी। 15 कम हो गए, अब देखिए इस तरह से मैं सिलूंगी। पहले तो मैं यही हिस्सा सिलूंगी, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मिला के। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिल गया है, अब ये हिस्सा सिलना है यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से पकड़ के और दोनों को मिला के इस तरह से हम सिलेंगे, इस तरह से सिलेंगे जो पता ना चले। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा हिस्सा सिल गया है, अब ये लास्ट का इतना रह गया है। तो देखिए मैं कैसे इसे गोल बनाती हूँ। इस तरह से बना दूँगी कि यहाँ का हिस्सा गोल बन जाए, इस तरह से ये सिला जाएगा। इस तरह से अब यहाँ हम टाइट कर देंगे। देखिए ये बन के कंप्लीट हो गया है, मैं सिल भी दी। अब ये वाली लगाऊंगी इसमें यहाँ पे, इसको इस तरह से पकड़ के और इस तरह से सिल दूंगी। देखिए ये बनके कंप्लीट हो गया, इस तरह से ये बनेंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगला वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।